जय हिंद। सेकंड स्लाइड में हम देखेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी का अवार्ड 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। कितने? 22 लैंग्वेज। पर्शियन जो था ना, पर्शियन लैंग्वेज, मेडिवल इंडिया के जो दरबार होते थे, कोर्ट्स होते थे, उनमें उस लैंग्वेज को दिया, यूज किया जाता, कोर्ट्स में पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी। पर्शियन लैंग्वेज एंशिएंट भारत में इसका यूज नहीं होता था, बट वो पढ़ाई जाती थी तक्षशिला और नालंदा में, ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। तक्षशिला जो पाकिस्तान में चली गई है, ठीक है, रिन्यूड हो चुकी है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थी भारत की, और भरत के बेटे तक्ष ने बनाई थी, ठीक है, राजा भरत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला बनाई थी। उसके बाद नालंदा जो है ये कुमारा गुप्ता ने बनाई थी। नालंदा किसने बनाई थी? कुमारा गुप्ता। और नालंदा जो है भारत की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट। इसमें वो बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, हिंदू कल्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में पर्शियन पे आया, पर्शिया पे था। पर्शिया जो है हमारी 22 लैंग्वेज, भारत के 8 स्केड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल्स हैं, उसमें जो 8 स्केड्यूल्स हैं वो क्या बोलता है, 22 लैंग्वेज भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, दो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, और ये सारी 22 लैंग्वेज है, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, नेशनल लैंग्वेज। और पूरे भारत की, भारत का ओरिजिनेट देखिए, अगर एनिशियन भारत पे जाते हैं तो एनिशियन भारत में जो लैंग्वेज ज्यादातर बोलते हैं वो संस्कृत, वो संस्कृत का यूज किया जाता था। और संस्कृत देखिए कौन सा एक भारत के इकलौता राज्य कौन सा है, यहाँ पे उत्तराखंड, संस्कृत, हाँ उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत, कौन सी है, संस्कृत उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। पारसी जो लोग थे, पारसी लोग जो थे पर्शिया से आए थे, कहां से आए थे, पर्शिया से, पर्शिया में पारसी लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी, पर्शियन लैंग्वेज। और आज पर्शिया को ईरान के नाम से जाना जाता है। जो पर्शियन थे, जब इस्लामीकरण हुआ ईरान का, पर्शियन लोगों को निकाल दिया गया और पर्शियन को भारत के गुजरात में जगह दी गई, कहां पे, गुजरात। और गुजरात और पर्शिया की जो होली बुक है अवेस्ता, हाँ, इनके जो गॉड है वो जोराष्ट्र है, कौन है, जोराष्ट्र। ये क्वेश्चन आता है बड़ी बात, ठीक है। और इनकी होली बुक कौन सी है, अवेस्ता, ठीक है। अगमास किसकी होली बुक है, जैनिज्म। और त्रिपाटिका, बुद्धिज्म। और हिब्रू बाइबल, मैम ये जूश की क्या है, हिब्रू बाइबल। हिब्रू जूश की दो है, हिब्रू बाइबल भी और दूसरी तोरा भी है, ठीक है। बाकी चार तो आपको आती है, ये नहीं वही चार आपको नहीं आती हो जब पेपर करो, ठीक है, ठीक है। हिंदू की गीता, गीता। मुस्लिम की कुरान। सिख की गुरु ग्रंथ साहिब। क्रिश्चियन की देखना सच्चे में नहीं आती, बाइबल। क्रिश्चियन की बाइबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अमृता प्रीतम, ये पार्टीशन से पहले जब भारत एक था पाकिस्तान में रहते थे, उस वाले हिस्से में रहते थे। पिंजर इनकी बड़ी फेमस एक बुक है, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी फेमस बुक है इनकी पिंजर, ठीक है। और अमृता प्रीतम की आना रायना की मालगुड़ी डे, मालगुड़ी डे। व्यास सम्मान भी लिटरेचर के लिए होता है, सबसे पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। अब इस साल भी, इस साल पुष्पा भारती को यादे ही यादे, किसके लिए यादे, एफ कैट वाले याद रखे, इनको क्वेश्चन आ सकता है यादे ही यादे। पुष्पा भारती ने जो लिखी है बुक यादे ही यादे के लिए, व्यास सम्मान, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आएगा, सरस्वती सम्मान, ठीक है, एनडीए सीडीएस एफ कैट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मन की बात रेडियो में है शिवा शंकरी को वहां पे नॉमिनेट किया था, इनकी बुक ये पढ़नी चाहिए। बुक का नाम बोलो, पागलखाना नहीं इसने लिखी, क्या
क्या बड़ी बार मैंने करवाई है वो क्या लिखी है होली बुक किसकी किसकी मम्मा तुझे नहीं आती ट्वेंटी ठीक है अब शिवा शंकरी ने वी बुक लिखी है उसका ध्यान चेक कर लेना ठीक है उसके बाद पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर ठीक है हो गया आप तो याद हो गया सरस्वती इस साल मैं तो यहाँ हूँ प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को दिया गया है अभी इसके बाद नहीं मिला अब आपको सैनिक स्कूल वालों को सेफ्टी अकेडमी अवार्ड तीनों और व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान याद रखना ये आएगा ही प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड इसका मिला पोएट आचार्य गोपी को भाई रुक जा सो बार तो वहां बैठी अवेस्टा अच्छा क्या हो गया 45th ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है अरुंधति राय कौन है फर्स्ट फीमेल हु रिसीव बुकर प्राइज क्या बुकर प्राइज फर्स्ट मेल कौन है वी एस नायपॉल जो है ये पहले भारतीय जिनको बुकर प्राइज दिया गया और सलमान राशिद इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट मेल है ये क्या है इंडियन ओरिजिन से ठीक है इंडियन यहाँ पे हम हमेशा सलमान राशिद फर्स्ट मेल नहीं है ठीक है इंडिया के वी एस नायपाल है और सलमान राशिद जो है वो इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट मेल है जिनको बुकर प्राइज दिया गया किसके लिए मिड नाइट चिल्ड्रन और इसके लिए गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग बुकर प्राइज इस साल किसको दिया दो या हिंदी के लिए भी याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए 2022 में दिया गया था 2022 में पहली बार हिंदी की राइटर को बुकर प्राइज मिला था ये क्वेश्चन आपके पिछले साल से लगातार रह रहा है किसी ना किसी एग्जाम में याद रखिएगा गीतांजलि श्री की बुक का नाम टूबा सैन वेरी इंपॉर्टेंट और जिसका सी सेट है या आने वाला है सी सेट उसमें आपके 10 साल बाद भी ये क्वेश्चन 100% होने वाला है ठीक है और यहाँ पे इस साल फ्रिक्शन नॉवेल्स के लिए भी जाता है इस साल 2023 फ्रिक्शन नॉवेल्स के लिए किसको मिला है जॉर्जिया गास्पो डी नोवा टाइम शेल्टर के लिए किसके लिए टाइम शेल्टर के लिए और ये कहां के हैं बुल्गेरिया के फर्स्ट बुल्गेरियन हु रिसीव बुकर प्राइज फॉर देयर फिक्शन बुक अब उसके बाद इस साल किसको बुकर पहले 2022 का लिख लो शेनान करुणा तिलक ठीक है इनकी बुक का नाम सेवन मून्स इन माली आलमेडा ये श्रीलंका से है लास्ट ईयर श्रीलंकन को मिला किसको श्रीलंका के नॉवलिस्ट को मिला बुकर प्राइज अब यहाँ रखिएगा 2023 ये क्वेश्चन हम 100% आने के चांसेस है ठीक है पॉल लिंग का नाम है LYNCH ठीक है इनकी बुक का नाम है सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट याद रखिएगा देख लो फिर से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा वुडलैंड का देखो इतना बड़ा पैर नहीं मैं कुछ छोड़ दिया चलो मजाक हो गया अच्छा देखिए फर्स्ट फीमेल बुकर प्राइज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसको मिला अरुंधति रॉय लिख लो ठीक है ये आपको क्वेश्चन हो गया फिर फर्स्ट मेल बी एस नायपाए सलमान राशिद विद नाइन चिल्ड्रन हिंदी के लिए गीतांजलि श्री 2023 के लिए जॉर्जिया गॉस्पो जिनीवा टाइम शेल्टर के लिए चेनाना करना तिलका श्रीलंका लास्ट ईयर इंटरनेशनल बुकर प्राइज
और 23 पॉलिंग प्रॉफिट ऑफ सॉन्ग. आप ये पूछ सकते हैं हु रोट प्रॉफिट ऑफ सॉन्ग, ठीक है, पॉल नहीं. ये सारे आपके क्वेश्चन होंगे बुकर प्राइज से. उसके बाद 45 ये अरुंधति राय को मिला, किसके लिए, एससी प्राइज फॉर आजादी 25 यूरोपियन, ठीक है, अरुंधति राय जो इंडिया के अगेंस्ट होगा उनको बहुत सारे यूरोपियन अवार्ड्स मिलते हैं. जर्मन पीस प्राइज सलमान राशिद, गांधी पीस प्राइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, इसके आने के बड़े चांसेस है. गीत ओल्ड भारत का बड़ा पुराना पब्लिकेशन है गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज, इसको लिख लो, गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर. गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये आरबीआई के गवर्नर को ना, लिखो भाई, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास. कौन है, शक्तिकांत दास. आप देख लो इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम शेल्टर जॉर्जी गॉस्पो जिनीवा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पॉल निंग फॉर प्रॉफिट ऑफ सॉन्ग, 57 जनपद अवार्ड दामोदर मॉडल. अब यहाँ पे देखो इस साल एक प्राइम मिनिस्टर से हो सकते कि आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इस साल, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भारत के प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, भारत के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आज तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ठीक है. सोई तेरा क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया, नाम अर्शद का, काम सोई का, ठीक है. देखो मेरे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मगर भारत के प्राइम मिनिस्टर को इजिप्ट, पपुआ न्यूगिनी और यूके और यूएसए, फिजी, भाई गलत मत बोल, फिजी यूके का नहीं मिला, फ्रांस, ठीक है, यूके नहीं है, फ्रांस. ये चार देश है जिस 2023 में, यहाँ देखो भाई नरेंद्र मोदी को कौन कौन से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, इजिप्ट का, पपुआ न्यूगिनी का, फिजी का, फ्रांस का, लिख लो, इजिप्ट, ऊपर लिखो नरेंद्र मोदी, ठीक है, और टेबल के नीचे अवार्ड्स, नरेंद्र मोदी को कौन कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए अपनी अपनी कंट्रीज के 2023 में. यहाँ पे देखो भाई इजिप्ट, पपुआ न्यूगिनी, फिजी और फ्रांस. और प्रेसिडेंट को सूरीनाम का मिला, प्रेसिडेंट को सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया. भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कर लिया.